हेलो एवरीवन, देयर इज अंशुली गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर इन आरके कॉलेज ऑफ फार्मेसी प्रयागराज. सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट एसिडोसिस एंड अल्कलोसिस, विच इज अ लास्ट टॉपिक ऑफ योर पैथोफिजियोलॉजी फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट यूनिट. फर्स्ट यूनिट का लास्ट पार्ट है आपका एसिडोसिस एंड अल्कलोसिस. इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस ऑलरेडी स्टडी कर रखी है. एसिडोसिस अल्कलोसिस पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एसिड क्या है, बेस क्या है और अल्कली क्या है. ऑलरेडी मैंने आपको याद होगा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में डिस्कस कर लिया था एसिड बेस के सारे कॉन्सेप्ट. तो मैंने ये बताया था कि अगर H+ आयन लेता है तो वो क्या होता है, एसिड होता है. H+ आयन जनरेट करता है वो क्या है, बेसिड. अगर एक किसी सॉल्यूशन की बात करें तो जिसमें H+ आयन ज्यादा होते हैं वो उसका पीएच क्या होता है, कम होता है. और जिसमें H+ आयन कम होते हैं उसका पीएच क्या होता है, ज्यादा होता है, उसको हम अल्कली बोलते हैं. बाकी पीएच क्या है, पीएच स्केल से समझ लेते हैं. ये आपके नॉर्मल पीएच स्केल है, आपको पता है, नोन है, 1 to 14 होता है. और जो इसका 7 पॉइंट होता है मिड का पॉइंट, वो न्यूट्रल होता है. ठीक है, अगर 7 के पहले अगर हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होते हैं तो ये क्या होता है, एसिड को डिनोट करता है. 6, 5, 4, 3, 2 ये एसिडिटी को शो करता है. अगर 7 के बियॉन्ड जाते हैं, राइट शिफ्ट होते हैं, तो ये अल्कली को या बेस को डिनोट करता है. तो अगर आपके बॉडी का पीएच या ब्लड का पीएच 7 से बिलो है, दैट मीन्स कि वो एसिड हो रहा है, एसिडोसिस हो रहा है. अगर इसके ऊपर जा रहा है तो वो क्या हो रहा है, अल्कलोसिस हो रहा है. ठीक है, ये 7 पे आपका न्यूट्रल है. नॉर्मल रेंज ऑफ पीएच आपके बॉडी का या आपके ब्लड का, बेसिकली ब्लड की बात की जाए तो 7.35 to 7.45 आपका नॉर्मल रेंज है पीएच का आपके ब्लड में. अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की बात करें तो नॉर्मल क्या है आपका, 35 to 45 mmHg पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो आप रेस्पिरेटरी के थ्रू एक्सहेल करते हो. पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जो आप इनहेल करते हो 80 to 100 mmHg. ठीक है, अभी इस केस में बहुत सुनने को आ रहा है COVID-19 के केस में कोरोना से जो सफर कर रहे हैं उनका O2 का लेवल डिक्रीज हो जा रहा है, बिलो 100 है, मतलब 90 से भी नीचे है. इसलिए हमें ऑक्सीजन, आर्टिफिशियली ऑक्सीजन देना पड़ रहा है, वेंटिलेटर पे पेशेंट को रखना पड़ रहा है. ठीक है, और नॉर्मल रेंज आपका बाइकार्बोनेट आयन का कितना है, 20 to 28 मोल इक्विवेलेंट पर लीटर है. ये बेसिकली आपके मेटाबॉलिज्म से रिगार्डिंग होता है. एक रिएक्शन से समझते हैं, जैसे CO2 है और H2 है, ये आपका मिलके बनाते हैं बाइकार्बोनेट. बाइकार्बोनेट बनाते हैं, ये इरिवर्सिबल का मतलब है ये वापस से शिफ्ट हो सकता है. ठीक है, अपने सबस्ट्रेट में अगर इसे ब्रेक डाउन करते हैं तो H+ आयन + HCO3 बाइकार्बोनेट आयन में ब्रेक होता है. अगर क्या है, H+ आयन इंक्रीज होता है तो pH डिक्रीज होगा, ये कहलाएगा क्या, एसिडोसिस. अगर H+ आयन आपका डिक्रीज हो रहा है तो पीएच क्या बढ़ेगा, इसे हम क्या कहेंगे, अल्कलोसिस. ऑल ओवर अब एसिडोसिस हम देख लेते हैं. एसिडोसिस इट इज एन इंक्रीज एसिडिटी इन ब्लड एंड अदर टिश्यूज. आपके टिश्यूज में, आपके ब्लड में एसिडिटी बढ़ जाती है. यूजुअली इट रिफर टू एसिडिटी ऑफ ब्लड प्लाज्मा, इसे हम रिफर करते हैं एसिडिटी ऑफ ब्लड एंड प्लाज्मा. नेक्स्ट आपका है, एसिडोसिस इज सेड टू अकर्स व्हेन आरटीएल पीएच फॉल बिलो द 7.35 एक्सेप्ट इन द फीटस. फीटस को छोड़ के आपके जो आरटीएल का फ्लो है वो पीएच उसका कम हो जाता है बिलो द 7.35 से नीचे होता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं एसिडोसिस. कुछ साइंटम सिम्टम्स, अगर किसी को एसिडोसिस का केस हो जा रहा है तो जैसे ब्रीथलेसनेस मतलब सांस लेने प्रॉब्लम, रेस्टलेसनेस थकान सी, और ट्रीमर आते हैं, कुछ सीजर्स आते हैं. आउटकम जो मैजिस्ट्रेटेड है वो आपका क्या है कि सीनेस डिप्रेशन हो सकता है. सीनेस डिप्रेशन दैट मीन्स कि जो ट्रांसमिशन है, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन है, वो कम हो सकता है. और सीवियर एसिडोसिस के केस में क्या हो जाता है कि डिसोरिटेशन या कॉमा या फाइनली डेथ हो सकती है अगर उसको सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो.
अगर इसके टाइप की बात करें एसिडोसिस की, तो दो तरीके होते हैं, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस। देखिए, लंग्स और आपके किडनी में एक बहुत ही रिलेशनशिप होता है, सभी आपके वाइटल ऑर्गन में कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं रिस्पायरेटरी एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस। रिस्पायरेटरी एसिडोसिस का मतलब है कि जब CO2 का लेवल आपके बॉडी में बढ़ जाए, इसका मतलब है आप अच्छे से क्या रिस्पायरेशन नहीं कर पा रहे हो, CO2 को अच्छे से आप अपनी बॉडी से एक्सहेल आउट नहीं कर रहे हो। दैट मीन्स कि अगर उसका लेवल CO2 का लेवल बढ़ जाए, नॉर्मल रेंज हमने आपको CO2 की बता रखी थी 35 to 45, अगर 45 से अबव जा रहा है दैट मीन्स कि CO2 का लेवल आपके बॉडी में बढ़ रहा है, जिसकी वजह से pH क्या होगा, कम होगा, एसिडिटी आएगी। इस रिएक्शन से भी आप समझ सकते हो कि रिस्पायरेशन कम हो रहा है, ठीक है, रिस्पायरेशन कम हो रहा है, जिसकी वजह से रिस्पायरेशन मतलब आप ऑक्सीजन लेते हो, नॉर्मली आप ऑक्सीजन इनहेल करते हो और CO2 आप एक्सहेल करते हो, ठीक है। अब आप रिस्पायरेशन का लेवल आपके बॉडी में कम है, आप CO2 इनहेल नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आपके बॉडी में CO2 की मात्रा बढ़ती जा रही है। ये CO2 आपके वाटर के साथ मिक्स मिलके क्या बनता है, बाइकार्बोनेट का लेवल को बढ़ा देता है। अगर बाइकार्बोनेट के लेवल को बढ़ा दे रहा है दैट मीन्स कि हाइड्रोजन को बढ़ा दे रहा है, हाइड्रोजन बढ़ा इसका मतलब है कि क्या हो रहा है, एसिडोसिस हो रहा है। व्हेन CO2 रिटेंशन देन इंक्रीज द pACO2, जब CO2 दैट मीन्स कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आपके लंग्स में रिटेन कर रहा है, मतलब रह जा रहा है, इसकी वजह से पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक। ये रिएक्शन फिर से समझ लीजिए, CO2 का लेवल बढ़ा वाटर के साथ मिलकर, ये बाइकार्बोनेट को बढ़ा देता है, ये बाइकार्बोनेट बढ़ा इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन इंक्रीज हुआ, जब हाइड्रोजन इंक्रीज हुआ तो एसिडिटी बढ़ी। तो ये हो गया आपका रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस की बात करें तो इसमें क्या होगा, मेटाबॉलिक आपका जो मेटाबॉलिक पाथवे आपका किडनी या लिवर से रिगार्डिंग है, तो जिसमें आपका बाइकार्बोनेट का लेवल जो है, बाइकार्बोनेट का नॉर्मल लेवल मैंने आपको बताया था 22 से 28 मोल इक्विवेलेंट पर लीटर है, ठीक है, बाइकार्बोनेट का। अगर इसका लेवल कम हो जाए, इसका लेवल भी कम हो जाए बाइकार्बोनेट आयन का, तो इसमें ये मेटाबॉलिक के केस में हो रहा है, ठीक है, इसका pH क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप देख सकते हो द एक्सेसिव एसिड फॉर्मेशन आपके स्टमक में या आपके उसमें लीवर में एसिड का फॉर्मेशन एक्सेस हो रहा है। द एक्सेसिव एसिड फॉर्मेशन विद इन द सेल्स रीच द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये जो आप अगर सेल्स में आपके एक्सेसिव एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, यही एसिड आपका ट्रांसमिट हो जाता है या रीच पहुंच जाता है कहाँ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पहुंच जाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से क्या हो जाता है कि बाइकार्बोनेट आयन को कंज्यूम कर लिया जाता है, ये बाइकार्बोनेट आयन जब कंज्यूम हो जाता है तो बेस का जो लेवल है डिक्रीज हो जाता है और एसिड का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि H+ आयन बढ़ा तो ये बाइकार्बोनेट आयन के साथ मिलके फिर से क्या बाइकार्बोनेट बनाया, बाइकार्बोनेट आयन से हाइड्रोजन मिलके बाइकार्बोनेट आयन का लेवल को बढ़ा दिया, जैसे कि रेस्पायरेटरी वाले में हो रहा था। जब बाइकार्बोनेट का लेवल बढ़ गया, जिसका मतलब है कि अगर इसको फिर से आप ब्रेक डाउन करोगे तो वाटर और CO2 में ब्रेक डाउन होगा, तो जब बाइकार्बोनेट का लेवल बढ़ गया तो दैट मीन्स यहाँ हाइड्रोजन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रही है। बात करते हैं एल्कोलोसिस की, तो एल्कोलोसिस में जब व्हेन द pH ऑफ टिश्यू या ब्लड बियॉन्ड द नॉर्मल रेंज, नॉर्मल रेंज आपका क्या है 7.35 to 7.45, इसके बियॉन्ड हो जाए या इससे अधिक हो जाए तो उस केस को हम क्या बोलेंगे, एल्कली या बेस बोलेंगे, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं एल्कोलोसिस। दैट मीन्स कि हाइड्रोजन का कंसेंट्रेशन इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, हाइड्रोजन का कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है बट लीडिंग रो कार्बोनेट आयन का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। कुछ कॉजेज हैं जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस होना, आपके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो कि हमने कल डिस्कस कर लिया था, और इंक्रीज कंजप्शन एंड एक्सक्रीशन ऑफ बेस, जब आप कुछ फास्ट फूड या ऐसा फूड कंजम्प कर रहे हो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप एसिड ज्यादा खा रहे हो और उसकी वजह से आपका बहुत ज्यादा बेस का फॉर्मेशन हो रहा है बॉडी में, ठीक है।
हाइपर वेंटिलेशन, बहुत ज़्यादा हाइपर वेंटिलेशन में है जिसकी वजह से CO2 आप बहुत ज़्यादा एक्सहेल कर रहे हो, या कुछ एंडोक्राइन डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है। बात करते हैं जैसे कि अब साइन एंड सिम्टम्स के, तो रिस्पायरेटरी, अगर रिस्पायरेशन स्लो है या हाइपर एक्टिव रिफ्लेक्सेस हो रहा है। हाइपर एक्टिव रिफ्लेक्सेस मतलब टिटैनी के मसल से स्पाज्म होता है इसको, ठीक है, टिटैनी या आर्टेरियल टैकीकार्डिया। कार्डिया मीन्स हार्ट से रिगार्डिंग है, टैकी मीन्स ज्यादा, हार्ट बीट बहुत तेजी या उसकी जो रिदमिसिटी है वो डिस्टर्ब हो जाए, तो ये आर्टेरियल टैकीकार्डिया हो सकता है। इसी इसके कुछ साइन सिम्टम्स हैं। अगर आउटकम की बात करें कि एट लास्ट क्या हो सकता है, नर्वसनेस, मसल से स्पाज्म हो सकते हैं, और कन्वल्जन, ट्रीमर्स जिसको हम बोलते हैं, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, बेहोश हो सकता है, और फाइनली ये डेथ कॉज कर सकती है। अब इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं, रिस्पायरेटरी एल्कोलोसिस और मेटाबॉलिक एसिडो एल्कोलोसिस। अभी तक हम लोगों ने बात की रिस्पायरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एसिड की बात कर रहे थे। अब बात करते हैं हम रिस्पायरेटरी एल्कोलोसिस और मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। रिस्पायरेटरी एल्कोलोसिस में मतलब CO2 का पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का क्या हो जाना, कम हो जाना। अभी तक क्या हो रहा था, बॉडी में CO2 का लेवल ज्यादा हो रहा था, बॉडी में CO2 का लेवल कम हो जाना, इसकी वजह से क्या होगा, अगर आप हाइपर वेंटिलेटेड जगह में हो तो आप बहुत अच्छे से या बहुत ज्यादा शायद आप क्या करो, CO2 को एक्सहेल करो, ठीक है, तो इसका मतलब है रिस्पायरेशन बढ़ जाना। तो रिस्पायरेशन जब बढ़ जाएगा तो आपके बॉडी में CO2 का लेवल कम हो जाएगा, जब CO2 कम हो जाएगा तो जो कार्बोनेट बाइकार्बोनेट बना आपके बॉडी में वो क्या होगा, उसका लेवल भी कम हो जाएगा। बाइकार्बोनेट को अगर ब्रेक करोगे तो H+ आयन डिक्रीज हो रहा है ना, यहाँ H+ आयन डिक्रीज हो रहा है और बाइकार्बोनेट आयन रिलीज हो रहा है। तो जब H+ आयन डिक्रीज हुआ तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इसको हम एल्कली बोलेंगे, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, रिस्पायरेटरी एल्कोलोसिस। मेटाबोलिक एल्कोलोसिस की बात करें तो यहाँ पे जो बाइकार्बोनेट आयन का लेवल है वो ये बहुत ही रेयर पाया जाता है, ठीक है, रेयर ही होता है आपके स्टमक के केस में। इसमें बाइकार्बोनेट आयन का लेवल क्या हो जा रहा है, 28 से ज्यादा हो रहा है यहाँ, जबकि 22 to 28 है मोल इक्विवेलेंट पर लीटर, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि 28 से अबव जा रहा है, दैट मीन्स कि एल्कोलोसिस हो रहा है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयन्स इन स्टमक, स्टमक की बात करें तो हाइड्रोजन आयन का इसमें क्या होगा, लॉस होगा। डायूरेटिक में आल्सो कॉज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। डायूरेटिक, डायूरेटिक वो होते हैं जो आपके यूरिन के फॉर्मेशन को बढ़ाते हैं, यूरिन के फ्लो को बढ़ाते हैं, और जब यूरिन का फ्लो बढ़ जाएगा, यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, तो आपके बॉडी में जो भी आयन्स हैं वो भी आपके बॉडी से रिलीज आउट हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। इसकी वजह से हो सकता है कि आपकी बॉडी में H+ आयन का लेवल क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। जब H+ लेवल कम हो जाए तो क्या होगा, एल्कोलोसिस बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। रिएक्शन के थ्रू समझ सकते हैं कि जैसे H+ आयन का कम हो जाना, अगर ये बाइकार्बोनेट आयन इसे रिएक्ट करता है तो इसका लेवल क्या हो जाता है, कार्बोनेट आयन का कम हो जाएगा। अगर इसे ब्रेक डाउन करेंगे तो वाटर और CO2 भी बड़े बने, मतलब वाटर और CO2 में ब्रेक डाउन होगा और CO2 का यहाँ पे लेवल क्या है, कम है। तो फाइनली आज ये एसिडोसिस एल्कोलोसिस फिनिश्ड हो गया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आपके सेकेंड पार्ट की, इन्फ्लामेशन। ओके, थैंक यू एवरीवन।